नमस्कार। आज का दिन रविवार है, संडे, तो देखते हैं संडे की क्या गाइडेंस है। वैसे भी आज नेशनल यूथ डे है, सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द यूथ। और कैसे आप अपनी लाइफ में और अपने आसपास पर्पसफुल कर सकते हैं टू हेल्प अदर पीपल, एंड कैसे आप एक दूसरे की प्रोत्साहन कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो आज का दिन हमें यही प्रेरणा देता है। तो शुरुआत करते हैं, आज हमारा दिन कैसा है। तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच मीन्स कि आप जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं जल्दबाजी में मत करिए, थिंक अबाउट इट और उसके प्रोज कौन समझ के तो ही आप उसके ऊपर डिसीजन लीजिए आज। तो शुरुआत करते हैं एरीज़ के साथ। एरीज़ के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, विच मीन्स डिवोशन से जो काम करेंगे वो आप अचीव कर पाएंगे, और अपने अंदर की जो लाइट है उसको बिलीव करिए और पॉजिटिव चीज़ों में ही दिमाग लगाइए। नेक्स्ट इज टॉरस। टॉरस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्ट्रॉन्ग होने का टाइम है, थोड़ा सा इन्जॉय करने का टाइम है, थोड़ा म्यूज़िक सुनने का टाइम है, थोड़ा रेस्ट करने का टाइम है, बट स्ट्रॉन्गली अपनी चीज़ों को बिलीव करने का भी टाइम है। नेक्स्ट इज जेमिनाई। जेमिनाई के लिए एडवाइस ये है, जब हम ऑनेस्टी से लोगों से मिलते हैं, ऑनेस्टी से हम अपने अंदर की चीज़ों को बिलीव करते हैं तो हमारे काम भी बनते हैं। तो जब नए लोगों से मिलें, आप जितना जेन्युइनली अपनी चीज़ों को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी चीज़ें सुन सकते हैं, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ के आंसर्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट इज कैंसर। कैंसर के लिए एडवाइस ये है कि जो भी आप बात ग्रेसफुली बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि सामने वाले को आप हेल्प करना चाह रहे हैं और अपने आप को भी हेल्प करना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके काम बनेंगे। नेक्स्ट इज़ लियो। लियो के लिए एडवाइस ये हो सकता है कि आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, तो मिरेकल आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ और अपने मिरेकल को खुद ही जगाइए कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे गुस्सा आ रहा है, क्यों जेलसी फील हो रही है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है, थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट इज़ वर्गो। वर्गो के लिए एडवाइस ये है, इतनी बुरी चीज़ें नहीं हो रही हैं जितना आपको सोच रहे हैं या आपको लग रहा है। साइंस आर देयर, यू आर प्रोग्रेसिंग, बिलीव इन दैट और उसी को देख के दूसरों की हेल्प करिए। नेक्स्ट इज़ लिब्रा। लिब्रा के लिए एडवाइस ये है कि जल्दबाजी में गुस्सा आ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, तो फॉरगिवनेस से ही काम लीजिए। अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको फॉरगिव करिए और अपने ये जो फीलिंग्स हैं उनको हटाइए और आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज़ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस ये है कि होप को अपने अंदर रखिए, लव से काम लीजिए और हो सके तो जब किसी को कुछ बता भी रहे हैं तो प्यार से बताने की कोशिश करिए। नेक्स्ट इज़ सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए एडवाइस ये है, फोकस करने का टाइम है अपने ऊपर, कंपैशन लाने का टाइम है अपने ऊपर, कहाँ पहुँचना चाहते हैं उसको, गोल्स को रीडिफाइन करने का है ये टाइम, एंड बिलीव इन योरसेल्फ। नेक्स्ट इज़ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स के लिए एडवाइस ये, जितना आप चीज़ों से भागेंगे, उनको फेस नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि वो चीज़ें आप अचीव नहीं कर पा रहे। सो टुडे इज़ अ डे टू बिलीव इन योर सेल्फ, टुडे इज़ अ डे टू फॉरगेट पीपल क्या सोच रहे हैं, आप अपने ध्यान पे काम करिए और इंटीग्रिटी से काम करिए। नेक्स्ट इज़ एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए एडवाइस ये है, जो आपके फादर या फादर फिगर जो भी आपको बता रहे हैं, उनसे एंथुसियाज्म से उनसे सुनेंगे तो आपको शायद कुछ आपके काम की बात मिले। और आज का दिन अगर आप किसी अपने स्पेशल पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनको प्रपोज करना चाहते हैं, उनसे सुनना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड डे फॉर दैट। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए एडवाइस ये है कि हेल्थ पे ध्यान दीजिए। प्रॉब्ली आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का बहुत टाइम है, आज दे नहीं पा रहे हैं आप, तो अगर आपको कहीं जाना है, किसी एक्सपर्ट से मिलना है, प्लीज़ डू दैट, एंड हो सके तो अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करिए, शी विल रियली लाइक दैट। तो मैं आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा रहेगा। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।